आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी हमें भेजी है रोहिणी सेक्टर 6 के रहने वाले रोहित जी ने। वो बताते हैं कि ये घटना उनके साथ तकरीबन 4 साल पहले घटी थी, जब वो देर रात काम करके अपने घर लौट रहे थे। वो रात के तकरीबन शायद 12 से 1 के बीच बालकोनी पार्क से सटी हुई सड़क से गुजर रहे थे कि उसी बीच उनका फोन बजा। बाइक पे सवार रोहित जी ने फोन उठाया। फोन पर उनकी बहन थी जो उनसे पूछ रही थी, अभी कहां पर हो, आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई। इस पर रोहित जी ने कहा, मैं बस रास्ते में ही हूँ, कुछ ही देर में पहुंच जाऊंगा। रोहित जी फोन काट कर जेब में रख ही रहे थे कि फोन उनके हाथ से नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उन्हें बाइक रोकनी पड़ी। जब वो फोन उठाकर वापस बाइक की ओर मुड़े तो उन्होंने देखा कि उनकी बाइक के पास एक लड़की खड़ी है, जिसे देखकर वो थोड़े हैरान से हो गए। जब वो उसके पास पहुंचे तो वो लड़की काफी जख्मी नजर आ रही थी, साथ ही वो दर्द से कराह रही थी। इससे पहले वो उस लड़की से कुछ पूछते कि वो बोल पड़ी, मुझे अंबेडकर हॉस्पिटल जाना है। चूंकि रोहित भी वहीं आसपास रहते थे तो उन्होंने सोचा ठीक है बैठ जाओ। कि इसी बीच सामने से आती हुई एक कार उनके पास आकर रुकी। गाड़ी रोकते ही ड्राइवर ने रोहित से कहा, पागल हो क्या, इतनी रात गए अकेले यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं ये जगह कितनी खतरनाक है। तभी अचानक से वो ड्राइवर डर सा गया और वो बिना अपनी बात पूरी किए वहां से निकल गया। उस कार के जाते ही रोहित जी ने उस लड़की को बाइक पर बिठाया और अंबेडकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। रोहित जी जब उस लड़की को बिठाकर ड्राइव कर रहे थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था मानो वो अकेले ही बाइक पर बैठे हों, जबकि बाइक पर 2 लोग बैठे हुए थे। जब वो अंबेडकर हॉस्पिटल के करीब पहुंचे तभी उन्होंने कहा, बस हम पहुंचने वाले ही हैं। ये बोलते हुए उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने पाया कि वो लड़की पीछे सीट पर नहीं है। रोहित उस लड़की को पीछे ना पाकर काफी घबरा गया और उसने अपनी बाइक घर की ओर मोड़ ली। घर पहुंचने के बाद ये सोचने लगे कि आखिर कौन थी वो लड़की और वो कार ड्राइवर उनसे क्या कहना चाहता था। ये सब सवाल रात भर उनके दिमाग में घूमते रहे। फिर कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि दरअसल 1 महीने पहले ही जेठाला मेट्रो स्टेशन के पास जो पार्क है, उस पार्क में एक लड़का और लड़की को कुछ मंचलों ने पकड़ लिया था। उस बीच उन मंचलों ने लड़के को तो मारपीट कर भगा दिया, मगर उन मंचलों ने उस लड़की के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे जान से मार दिया, जिसके बाद से एक लड़की देर रात उसी रास्ते पर लिफ्ट मांगते हुए देखी गई। कहा जाता है कि ये वही लड़की है जिसको उस दिन कुछ मंचलों ने रेप करके मार दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।